हेलो फ्रेंड्स, एक और ज़बरदस्त वीडियो के अंदर स्वागत है आपका। आज जो वीडियो होने वाला है बहुत ही शानदार लोकेशन बना हुआ है, बहुत ही ज़बरदस्त घर आपको मैं दिखाने वाला हूँ। बात करेंगे सबसे पहले लोकेशन की। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे, क्योंकि ऐसे ही ज़बरदस्त प्रॉपर्टी की वीडियो आपके लिए हमेशा लाते रहते हैं। तो आज हम लोग खड़े हैं सहस्त्रधारा रोड के ऊपर, IT पार्क है उसके बिल्कुल नियर बाय हम लोग खड़े हैं देहरादून के अंदर। तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी होने वाली है 3-बेडरूम अपार्टमेंट आपको मैं दिखाने वाला हूँ, जो कि फुली फर्निश्ड होने वाले हैं। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे इसको डेवलप किया गया है। तो मेन एंट्रेंस जो है कुछ इस तरीके से यहाँ पे जो है मेन एंट्रेंस आपको मिलती है, यहीं से आपको घर के अंदर मेन एंट्रेंस यहाँ पे मिलने वाली है। साथ ही साथ फिर बात करें इधर की तरफ तो यहाँ पे जैसे एंट्रेंस करते हैं, अच्छा एक और चीज़ मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ, यहाँ पे जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ एज इट इज़ आपको ये मिलने वाला है अपार्टमेंट, सेम एज इट इज़ आपको यहाँ पे दिया जाएगा। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं आप सूर्यक्स के लिए भी बाकायदा परफेक्ट आपको यहाँ पे एक स्पेस बना के दिया गया, जो कि बहुत ही स्पेसियस है और बहुत ही शानदार तरीके से इसको यहाँ पे डिज़ाइन किया गया। एंटर करते हैं इधर की तरफ, आप देख पा रहे हैं कुछ इस तरीके से वुडन स्ट्रक्चर का काम यहाँ पे किया गया, जो कि बहुत ही प्यारे तरीके से आपको यहाँ पे भी दिखाई दे रहा होगा। बात करेंगे जैसे अपन एंटर करते हैं तो यहाँ पे सामने की तरफ एक मास्टर बेडरूम यहाँ पे आ जाता है, जो कि बहुत ही स्पेसियस है। मास्टर बेडरूम की अगर मैं साइज़ की बात करूँ तो लगभग 16x12 के आसपास की साइज आपको यहाँ पे मिल जाती है, जो कि स्पेसियस साथ साथ में बेड की डिजाइन वगैरह जो है कुछ इस तरीके से डिजाइन यहाँ पे किया गया। पीछे की तरफ आप देख पा रहे हैं कितने शानदार तरीके से यहाँ पे डिजाइन किया गया, साथ साथ वॉलपेपर का जो काम है वो भी बहुत डिसेंट और बहुत ही खूबसूरत तरीके से यहाँ पे किया गया है। दोनों साइड में अगर देखते हैं तो दोनों साइड में आपको जो है रेक्स वगैरह यहाँ पे दिखाई देने वाली है, साथ ही साथ यहाँ पे कवर्स का स्पेस भी आपको मिल जाता है। कवर्स के स्पेस में देखिए आप सनमाइका का जो है कुछ इस तरीके से यहाँ पे डिजाइन करके दी गई है, स्पेस ये से अंदर भी काफ़ी स्पेस यहाँ पे सनमाइका का आपको यहाँ पे मिलने वाला है। साथ ही साथ बात करें अपन सामने की तरफ तो यहाँ पे टीवी पैनल का स्पेस आपको मिल जाता है, जो कि बहुत अच्छा स्पेस है। लगभग 44 इंच की टीवी आप जो है इजीली यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। साथ साथ नीचे की तरफ यहाँ पे रैक्स भी यहाँ पे बना के दी गई है, जिसमें कि कोई भी सामान वगैरह जो है आप इजीली यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। मास्टर बेडरूम है तो यहाँ पे अटैच वॉशरूम भी आपको मिलता है। अटैच वॉशरूम की साइजेज जो है वो भी बहुत प्यारे तरीके से यहाँ पे आपको मिलती है। अटैच वॉशरूम में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे WC यहाँ पे लगा के दी गई है, साथ साथ पूरी हाइट तक यहाँ पे टाइल्स का वर्क किया गया है, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से इसको डिजाइन किया गया है। साथ साथ में इधर की तरफ देख पा रहे हैं कुछ ऐसे डिजाइन वगैरह जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी। कंप्लीटली यहाँ पे जो है ब्रांडेड फिटिंग्स आपको यहाँ पे मिलती है। सनमाइका वगैरह जो गेट्स की वो बहुत ही प्रीमियम क्लास की आपको सनमाइका लगा के यहाँ पे दी गई है। अटैच वॉशरूम में इधर की तरफ जो है आपको बालकनी का एक स्पेस मिलता है, जो कि स्पेसियस है। बालकनी जो है इसमें आपको हर एक रूम में बालकनी आपको मिलती है। बाहर की तरफ से मैं दिखा देता हूँ कैसे के बालकनी में लुक आपको यहाँ मिलने वाला है। नीचे की तरफ यहाँ पे वुडन टाइल्स का यहाँ पे काम किया गया है, साथ ही साथ इधर की तरफ रेलिंग लगा के यहाँ पे आपको मिलने वाली है। बात करूँ यहाँ पे मैं बालकनी की तो बालकनी की साइज ही बहुत ही काफ़ी स्पेसियस बालकनी की साइज आपको यहाँ पे मिलने वाली है। इधर की तरफ भी देखते हैं तो यहाँ पे भी आपको वुडन टाइल्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी। बढ़ते हैं अपन दूसरे रूम में, देखते हैं और कैसे क्या चीज़ें यहाँ पे बनी हुई है। 3-बेडरूम ये होने वाला है, फुली फर्निश्ड आपको ये मिलने वाला है। प्राइस के बारे में बात करेंगे कि प्राइस यहाँ पे क्या होने वाली है। तो जैसे इधर की तरफ आते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत ही प्रीमियम क्लास का आपको ड्राइंग एरिया साथ साथ में डाइनिंग एरिया मिलता है। आप देख पा रहे हैं लगभग जो है 8-9 सीटर जो है ड्राइंग एरिया आपको यहाँ पे मिलता है। सोफे वगैरह के डिज़ाइन आप देखिए कितनी प्यारी तरीके से सोफे वगैरह की डिज़ाइन भी आपको यहाँ मिलती है। साथ ही साथ सामने की तरफ यहाँ पे बालकनी में जाने के लिए स्पेस भी मिल जाता है, जहाँ अभी मैं आपको दिखा रहा था ठीक वही बालकनी का स्पेस यहाँ से भी निकल के आप जा सकते हैं। ऊपर की तरफ प्रीमियम क्लास का आपको जो है फॉल सीलिंग का काम भी यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, जो कि वुडन स्ट्रक्चर में काम किया गया है। साथ साथ में जो लाइटिंग वगैरह का जो वर्क, झूमर वगैरह का जो वर्क यहाँ पे किया गया है वही बहुत बेहतर तरीके से आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। इधर की तरफ देखते हैं तो यहाँ पे वॉलपेपर का काम किया गया है, जो भी बहुत प्यारे तरीके से साथ साथ में सीनरी वगैरह जो लगा के इसका लुक बढ़ाया गया है ड्राइंग एरिया का, बहुत ही प्यारे तरीके से आपको ये लुक मिलने वाला है। सामने देखते हैं तो यहाँ पे टीवी पैनल का एक स्पेस आपको मिलता है, जो कि बहुत ही स्पेसियस है। साथ साथ पूरा वुडन का काम आपको यहाँ पे करके दिया गया है। पीछे की तरफ वॉलपेपर का काम भी बहुत प्यारे तरीके से आपको मिलता है। साथ साथ में जैसे घड़ी वगैरह के डिजाइन जो एक बार हाईलाइट कर दीजिए कितनी प्यारी तरीके से आपको यहाँ पे मिलने वाली है। ड्राइंग एरिया के बिल्कुल इधर की तरफ आपको एक स्पेस मिलता है डाइनिंग का, उससे पहले यहाँ पे भी एक बहुत अच्छा स्पेस यहाँ पे डिजाइन किया गया है, जिसमें कि आप जो है रोजमर्रा की जरूरत की चीज़ें जो आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं, रख सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पे वुडन का काम भी आपको यहाँ पे पॉलिश करके यहाँ पे दिया गया है। अगर मैं बात करूँ डाइनिंग एरिया की तो डाइनिंग एरिया का स्पेस जो है लगभग 6 सीटर डाइनिंग एरिया का स्पेस आपको यहाँ पे मिल जाता है। आप इसको बढ़ा भी सकते हैं, स्पेसियस है, जगह यहाँ पे और भी आपको मिलती है। साथ साथ में यहाँ पे भी आप देखिए कितने प्यारे तरीके से इसको डिजाइन यहाँ पे करके दिया गया है। सामने की तरफ सीनरी वगैरह लगा के और भी लुक को अच्छा यहाँ पे बनाया गया है, और फॉल सीलिंग की जो डिज़ाइन है वो भी बहुत प्यारे तरीके से यहाँ पे फॉल सीलिंग की डिज़ाइन आपको यहाँ पे दिख रही होगी। डाइनिंग एरिया के बिल्कुल सामने की तरफ अगर बात करते हैं अपन तो यहाँ पे आपको किचन का स्पेस मिल जाता है। किचन का जो है टॉप दोनों साइड यहाँ पे लगा के दिया गया है। साथ साथ में जो टाइल्स वगैरह का कॉम्बिनेशन है बहुत ही प्यारे तरीके से आपको यहाँ पे दिखाई देने वाला है। मॉड्यूलर किचन पूरा यहाँ पे डिजाइन करके दिया गया है, देखिए आप किस तरीके से जो है कॉम्बिनेशन के साथ टाइल्स कवर के यहाँ पे आपको दिया गया है। चिमनी वगैरह लगा के पूरा कंप्लीट इसको किया गया है। साथ ही साथ रैक्स वगैरह की बाथरूम है तो सॉफ्ट क्लोजर के साथ आपको रैक्स वगैरह भी यहाँ पे दिखाई देने वाली है। इधर की तरफ भी आप देख पा रहे हैं कंप्लीट, देखिए किस प्रकार की यहाँ पे जो है डिजाइन यहाँ पे की गई है। RO और गीजर दोनों आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, साथ साथ भी बर्तन धोने के लिए बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पे भी आपको
स्पेस मिल जाता है। पीछे की तरफ बात करें तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर स्पेस मिलता है जिसमें कि फ्रिज आप आराम से बड़ा फ्रिज भी इजीली यहाँ पे इंस्टॉल यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे ऊपर की तरफ देखते हैं कुछ लैंप वगैरह की डिज़ाइन, वो भी बहुत ब्यूटीफुल तरीके से आपको डिज़ाइन यहाँ पे मिलती है। साथ ही साथ वेंटिलेशन प्रॉपर रहे इसके लिए बहुत अच्छी स्पेस में बहुत बड़ी बालकनी आपको पीछे की तरफ यहाँ पे मिल जाती है। बालकनी आपको इस रूम से भी अटैच करती है, साथ साथ में किचन से भी आपको यहाँ पे अटैच करती है। तो बढ़ते हैं अपन, देखते हैं आगे। अभी तक हमने देखा एक बेडरूम देखा, साथ साथ में डाइनिंग ड्राइंग एरिया हम देख चुके हैं, किचन का लुक भी हम देख चुके हैं। बढ़ेंगे दूसरे रूम की तरफ, वहाँ देखते हैं कि कैसे कैसे डिज़ाइन यहाँ पे करके दी गई है। उससे पहले यहाँ पे कॉमन वॉशरूम दिया गया है, कॉमन वॉशरूम का एक बार लुक दिखा दीजिए। बहुत ही प्यारे तरीके से कॉमन वॉशरूम का लुक भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। इसमें भी जो है आप देखिए पूरा हाइट तक टाइल्स का वर्क किया गया है, ब्रांडेड फिटिंग्स आपको यहाँ पे मिलती है। इधर देखते हैं इस रूम में, तो यहाँ पे रूम की अगर मैं वही साइज़ की बात करूँ तो लगभग वही 16x12 के आसपास की साइज़ मिल जाती है। स्पेसियस रूम बनाए गए हैं 3BHK में, साइज़ बहुत ही प्यारी होने वाली, साथ साथ जो बेड वगैरह के डिज़ाइन, जो कुशन वगैरह के डिज़ाइन जो है बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे भी आपको दिखाई देने वाली है। पीछे की तरफ वॉलपेपर का काम किया गया है, ये भी बहुत डिसेंट और बहुत ही परफेक्ट तरीके से आपको यहाँ पे मिलने वाला है। मास्टर बेडरूम इधर की तरफ, इस रूम में इधर की तरफ देखते हैं तो यहाँ पे भी आपको टीवी पैनल का स्पेस मिल जाता है। आप देख पा रहे हैं टीवी पैनल में जो वुडन का जो काम किया गया, देखिए कितनी शानदार और ज़बरदस्त तरीके से आपको यहाँ पे भी लुक इसका मिलने वाला है। इधर की तरफ मैंने जैसे बताया आपको बालकनी का स्पेस आपको मिलता है, जो कि इस रूम में भी अटैच करता है और किचन दोनों को ही बालकनी का यहाँ पे स्पेस आपको अटैच यहाँ पे मिलने वाला है। बढ़ते हैं अपन लास्ट एंड थर्ड बेडरूम की तरफ, जो मास्टर बेडरूम यहाँ पे बनाया हुआ है, सभी चीज़ें मास्टर बेडरूम यहाँ पे आपको मिलने वाली है। साइज़ इसकी बहुत प्यारी तरीके से साइज़ यहाँ पे दी गई है, साथ साथ में आप देख पा रहे किंग साइज़ का बेड यहाँ पे मिलता है आपको, और पीछे की तरफ डिज़ाइन वो भी बहुत प्यारी तरीके से आपको यहाँ पे दिखाई देने वाली है। वॉलपेपर का जो काम है वो भी बहुत शानदार तरीके से आपको यहाँ पे भी करके दिया गया है। दोनों तरफ देखते हैं तो साइड टेबल आपको जो है बेड के दोनों तरफ भी आपको यहाँ पे मिल रही है। सामने की तरफ देखते हैं तो यहाँ पे भी आपको टीवी पैनल का स्पेस दिया गया है, जो कि स्पेसियस, साथ साथ में अलग अलग सनमाइका के साथ आपको जो है वुडन का काम आपको यहाँ पे करके दिया गया है। चूंकि मास्टर बेडरूम है तो ड्रेसिंग, वॉशरूम, बालकनी सब कुछ यहाँ होना जरूरी है। तो आप देख पा रहे हैं इधर की तरफ सामने ड्रेसिंग का पूरा स्पेस यहाँ पे दिया गया है, जो कि पूरा वुडन का यहाँ पे काम किया गया है। इसके अलावा यहाँ पे अटैच जो वॉशरूम इसमें मिलता है, वॉशरूम की साइज बहुत ही प्यारी दी गई है। यहाँ पे सावर को जो है सावर क्यूबिकल से बिल्कुल पार्टी जो पार्ट यहाँ पे करके यहाँ पे दिया गया है, बहुत ही अच्छा तरीके से इसका भी काम आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। WC यहाँ पे लगा के दी गई है, साथ साथ में टाइल्स पूरे हाइट तक यहाँ पे भी टाइल्स आपको मिलती है। अब बढ़ते हैं अपन आगे, देखते हैं इस रूम में और क्या चीज़ आपको यहाँ पे मिलती है। तो मास्टर बेडरूम है, स्टोर की भी जो है सुविधा आपको इस रूम में यहाँ पे मिल जाती है, वो भी मैं एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पे टफन ग्लास लगा के इसका गेट बना के यहाँ पे दिया गया है, जो कि यहाँ पे अंदर की तरफ अगर आप स्टोर रूम की तरफ यूज़ कर सकते हो, या फिर किसी भी प्रकार से आप छोटे मोटे ऑफिस टाइप में भी आप इसको यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, स्पेस आपको मिल जाता है। साथ ही साथ इधर की तरफ देखते हैं तो यहाँ पे आपको बालकनी का एक स्पेस मिल जाता है, जो कि मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे भी आप बहुत अच्छी बड़ी बालकनी आपको यहाँ पे मिलती है। नीचे की तरफ यहाँ पे वुडन जो है टाइल्स का यहाँ पे काम करके दिया गया है, इधर की तरफ रेलिंग यहाँ पे लगा के दी गई है। सामने बिल्कुल सामने जो है वॉकिंग डिस्टेंस पे आपको मेन रोड, जो सहस्त्रधारा रोड है, वो बिल्कुल आपको वॉकिंग डिस्टेंस पे आपको मिल रही है। तो फ्रेंड्स अभी हमने देखा यहाँ पे जो 3 बेडरूम बना हुआ था, इसकी साइज़ की अगर मैं बात करूँ तो लगभग इसकी साइज़ होने वाली है 1680 square feet इसकी साइज़ यहाँ पे होने वाली है। साथ साथ अगर मैं प्राइस की बात करूँ 85 लेके इसकी डिमांड यहाँ पे प्राइस रखी गई है। लोकेशन के बारे में आपको सब कुछ बताया दिया, बाकी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन मेंशन कर दूंगा, जो बिल्डर है उनके प्रतिनिधि नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, वहाँ जाकर डायरेक्टली आप उनको कॉल कर सकते हो और अधिक जानकारी वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हो। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।